श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश हमारे एक बहुत ही परम मित्र हैं अहमदाबाद के पास रहते हैं उन्होंने मुझे बोला कि भैया थोड़ा पंचमकार और अघोर के बारे में बात करें कर तो करिए आप अपने किसी वीडियो में मैं भूल गया था लेकिन आज उन्होंने फिर से रिमाइंडर दिया कि आप पंच के बारे में हम लोगों को बताइए तो इस वीडियो का नाम मैंने रखा है अघोर का पोल खोल और साथ ही अभी जितने फोटोज़ आप देखोगे स्क्रीन पे जो रोटेट करेंगे सारे मज़ेदार हैं ये वो पोस्टर हैं जिसमें अघोर को मार्केट किया गया है मतलब ऐसी ऐसी हर हैर तंगेज चीज़ें लिखी हुई हैं अघोरी के बारे में जो कि अघोरी भी खुद नहीं जानते होंगे बहरहाल अघोर और पंचमकार एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जो भी थोड़ा तंत्र प्रैक्टिस करते हैं जो भी अघोरियों के साथ रहते हैं उनको पता होगा क्यों पता होगा होगा तो इसमें वो विशेष दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें उनको फायदा होता है भोजन का पानी का शारीरिक सुख का देखिए अध्यात्म जो है ना वो बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है एक ही शब्द के कई मतलब निकलते हैं अध्यात्म ठीक है और जो तंत्र मार्ग है जो वाम मार्ग है तंत्र का वो उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हर कदम पे आपको फंसाने की कोशिश होती है आजकल आप मतलब मैं भी अपने बहुत सारे मित्रों से मिलता हूँ जो तांत्रिक हैं अघोरी हैं अच्छा अघोरी हैं जब मैं बोलता हूँ तो अघोर एक अवस्था होता है ठीक है लेकिन आज के जमाने में अघोरी उसको कहते हैं जो अघोर तंत्र को प्रैक्टिस करे ठीक है लेकिन कालिशनाथ पंथ में अवढ़ होते हैं फिर अघोरी होते हैं मतलब अघोरी मतलब जो परिपक्व हो गए हमारे बोलचाल के भाषा में अघोरी वो होते हैं जो कि अघोर तंत्र को यूज करते हैं तो अघोर और तंत्र वाम मार्ग की बात कर रहे हैं हम वाम मार्ग में पंचमकार का बड़ा नहीं। नहीं। अगर आप पंचमकार को नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आप वाम मार्गी तांत्रिक नहीं हो सकते वाम मार्गी तांत्रिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दक्षिण मार्गी तांत्रिक भी होते हैं और उसमें भी पंचमकार होता है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा तो आते हैं पंचमकार पे ठीक है पंचमकार क्या होता है इनको पंचमकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पांच शब्द हैं जो कि म से शुरू होते हैं ठीक है तो पांच शब्द क्या है तो मध्य है मध्य का मतलब शराब होता है दूसरा शब्द है मांस मतलब मीट ठीक है तीसरा है मत्स्य मत्स्य का मतलब होता है मछली चौथा होता है मुद्रा हाँ मुद्रा क्या होता है तो बहुत भाई साहब लोग बताते हैं हमें कि भाई मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसे प्रणाम करो वैसे प्रणाम करो ये करो वो करो नहीं वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के मुद्रा में अंतर है हम जब तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो कोई हम योगाचारी नहीं है कि मुद्रा दिखाएंगे मुद्रा का मतलब होता है जो खाने का चावल हो या गेहूँ हो जो बिल्कुल ही रॉ तरीके से मतलब बिना पॉलिश अनपॉलिश हो वैसा जो चावल होता है उसको हम मुद्रा कहते हैं ठीक है और अंत में है मैथुन अरे मैथुन तो भाई सब जानता है क्योंकि तंत्र साधना में आने से पहले लोग पूछते हैं मेरी शादी नहीं हुई है तो तंत्र कैसे करूँगा भैरवी मिलेगी कैसे ठीक है मैं अभी आऊँगा एक एक करके हर विषय को मैं आप लोगों के सामने अभी रखूंगा ठीक है मनुष्य तीन प्रकार का होता है पशु वीर और दिव्य ठीक है और हर प्रकार के मनुष्य को भगवान तक ले जाने का कार्य जो है वो स्पिरिचुअलिटी को मिला था इसी में वाम मार्ग आया था वाम मार्ग कलयुग के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट मार्ग है क्योंकि आप कुछ भी करो आप भगवान के करीब जाओगे देखो आज के डेट में अगर आप किसी को बोलो कि आप शंकराचार्य पद्धति में चले जाओ खाना पीना बंद कर दो और संभोग बंद कर दो तो लोग भगवान छोड़ेंगे खाना पीना और संभोग बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन वाम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें भोजन पानी और संभोग से भगवान तक आपको पहुंचाया जाता है तो विषय ऐसा कैसे होता है ठीक है विषय बड़ा प्रैक्टिकल है इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु किसी चीज़ का लाभ नहीं जानता है तो वो उसके तरफ आकर्षित होगा ही नहीं जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने का लाभ नहीं पता रहेगा लेकिन अगर आपको किसी माध्यम से मान के चलिए कि आपको शराब पीने की आदत है आपको बोला जाए पाँच किलोमीटर दूर से शराब लाओ चले जाओगे लाना और आपका बॉडी धीरे धीरे वो वर्कआउट करेगा तो आपको समझ में अगर ये जो मैं पाँच किलोमीटर जाता हूँ पाँच किलोमीटर आता हूँ मेरे शरीर को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप कोशिश करोगे कि और ज़्यादा पैदल चलें फिर आप कोशिश करोगे एक आध कुछ और करें ताकि और थोड़ा स्वस्थ फील हो आप समझ रहे हो बात को तो आपकी आदत थी कि आप शराब पीते थे तो आपको बोला कि जब पैदल पाँच किलोमीटर जाओ शराब लेकर के आओ तुम तो पाँच किलोमीटर आप पाँच किलोमीटर डाउन दस किलोमीटर आप चल लिए तो आपको समझ में आने लगा कि नहीं भाई साहब फिज़िकल एक्सरसाइज का तो फ़ायदा होता है कुछ यही ट्रिक अपनाया जाता है जब हम में वाम मार्ग से भगवान की प्राप्ति करते हैं आपको जिन चीज़ों की आदत है उसी से आपको भगवान की आदत डलवाई जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये आदत के माध्यम से आप भगवान तक गए और ये आदत पीछे छूट जाती है और आप भगवान तक पहुंच जाते ठीक है भोजन पानी क्या होता है कि आपका अन्नमय कोष को मेंटेन रखता है ठीक है और जो संभोग होता है संभोग क्रिया से एक उत्पत्ति होती है मतलब संभोग क्रिया जो है वो एक सिंबल है मैनिफेस्टेशन का जैसे शिव और शक्ति ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को रचा था जिस तरीके से ब्रह्मा जी और उनकी प पुत्री ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को रचा था मतलब बनाया था उसी तरीके से मैथुन का एक अपना रोल रहता है तंत्र मार्ग में लेकिन ये हम जो समझते हैं वो नहीं है थोड़ा अलग है सब अब देखिए एक एक करके मैं आता हूँ सबसे पहले आते हैं हम मध्य पे अभी आप जो भी तांत्रिक बाबा के पास जाओगे तो वो सबसे पहले तो दारू पी के लूड रहता है ठीक है वो उसको लाइसेंस मिला हुआ रहता है कि वो कैसे भी आपके घर में हो आपके परिवार में हो या कहीं भी हो उसको दारू पीने का लाइसेंस मिला हुआ रहता है तो क्या पंचमकार ये कहता है कि आप हमेशा शराब पी सकते हो तो जवाब है नहीं ठीक है आपको शक्तियों को भोग देना पड़ता है आपको भगवती को भी भोग देना पड़ता है मसान में भोग देना पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर भोग करते रहो देखो जो वेस्ट बंगाल आसाम की तरफ जो तंत्र मार्गी हैं वो जानते हैं कि कारण को कारण बोला जाता है शराब को क्यों कारण बोला जाता है क्योंकि कारण का मतलब होता है रीज़न सिंपल शब्द रीज़न तो उसको हम लोग एक मुद्रा में लेते हैं ठीक है उस मुद्रा में हाथ के हाथ के बीच की दो उंगलियां जो हैं रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर वो बैठ जाती हैं और तीन जो uh, मतलब लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थम ये खड़ा रहता है और बीच में हम पात्र को रखते हैं बीच में uh, कारण रखते हैं तो कारण जब रखते हैं तो ये जो दो उंगलियां जो नीचे दब गई ये माया कहलाता है तो कारण वो जो माया को दाब दे ठीक है और जो तीन उंगलियाँ हैं वो हमारे तीन गुण हैं वो तीनों गुणों को उठाती है देखो जब आप शराब पीते हो ना तो आप फ्रॉड जो है ना सोच वो नहीं ला सकते आपका थर्ड बहुत प्योर हो जाता है दूसरा जब आप मध्य लेते हो तो मध्य लेने का सबसे बड़ा नियम ये है कि आप मतलब आप समझ रहे ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब आप नशा पे विजय प्राप्त कर लो कुछ लोग कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जिन जिन पे नशा ने विजय प्राप्त किया रहता है वो दिन भर पी के टल्ली रहते हैं घिनौनी हरकतें करते हैं और वो सबको दिखाते हैं देखो हम बहुत बड़े अघोरी बहुत बड़े ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए जो तांत्रिक शराब जो अघोरी शराब पी करके नाटक करे उसको पीटना चाहिए गंदी हरकतें करे देखो शराब इसलिए पीते हैं ताकि आप उस पर विजय प्राप्त करो ना कि वो आप पे विजय प्राप्त कर ले फिर आता है मीट मीट जो शरीर अपना शरीर है ना वो तीन चीजों का बना होता है एक तो सोच हाँ एक इमोशन ठीक है और तीसरा होता है हमारा शरीर जब आप मीट खाते हो तो वो आपको एक तरीके से बताया जाता है कि मांस खा करके आपकी कितनी औकात है ठीक है तो द फिजिकल बॉडी उसका दमन होता है जब आप मीट खाते हो जैसे कारण लेकर के माया का दमन हुआ आपकी सोच का दमन हुआ वैसे ही मीट खाकर आपके फिजिकल बॉडी का जो आपका इको है उसका दमन होता है मनस्य जो है वो आपके इमोशंस का दमन करता है क्योंकि देखो इमोशंस बहुत फास्ट भागती है इमोशन एक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है आपके शरीर को अलग अलग चीज़ें करके मतलब करने पे मजबूर करती हैं ठीक है वो इमोशन पैसा कमाना एक इमोशन है वो एक थाट होता है ना कि मुझे आराम चाहिए तो फिर पैसा कमाना है तो फिर माया में आप घिरते हैं तो मत्स्य जब आप खाते हैं तो आप अपने इमोशन को की औकात इमोशन को दिखाते हैं जब आप चावल खाते हैं मतलब वो जब आप चावल खाते हैं जो बिल्कुल ही कोर्स चावल होता है तो उसको खाने का मतलब होता है कि आप ऐसे लोगों से संगति से दूर हो जाइए जो कि आपको माया में लीन करते हैं ठीक है और फाइनली है मैथुन मैथुन पर मैं बाद में आऊँगा लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ आज के डेट में आप देखोगे कि जो भी अघोरी है ना उसकी एक भैरवी होती है ठीक है या जो माताएं जाती हैं अघोरियों के पास वो बोलते हैं कि मुझे भैरवी चाहिए ऐसा जो भी आपको मिले उसको एक ग्लास पानी देने का ठीक है पानी दे करके ये नहीं पूछना है कि आ, बाबा आप इसको पी के दिखाओ आपने वो पानी रख के बोलना है कि बाबा इसको अपने लिंग से घींच के दिखाओ देखो भैरवी जो होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है आपकी माँ हो सकती है आपकी बहन हो सकती है या आप उसको अर्धांग अर्धांगनी रूप में रख सकते हो ठीक है तो आज के डेट में माँ और बहन के रूप में कोई नहीं रखता भैरवी को सब चाहते हैं कि अर्धांगनी रूप में रखें लेकिन अर्धांगनी रूप में रखने का एक क्वालिफिकेशन होता है वो क्या है वो है वज्रोली वजरौली साधना मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा करते हुए पूरे अखंड भारत में अगर करते होंगे तो वो साधक है वो दिखाने वाली चीज़ भी नहीं है लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई भैरवी वाला साधक नहीं मिला जो मुझे बताए कि मैं वजरौली जानता हूँ वजरौली में क्या होता है शुरुआत होती है कि आप अपने लिंग से पानी खींचते हो फिर मधु खींचते हो और लास्ट में मरकरी खींचते हो और उसके बाद एक तांत्रिक क्रिया होती है उसको लेकर के जब ये आप कर लेते हो ना तब फिर आप भैरवी रखने के लिए सक्षम होते हो समझ रहे हो इसलिए जो बोले कि मेरे पास भैरवी है समझ लो कि वो सबसे पड़ ठरकी है देखो अघोर और तंत्र लाइन में आज के डेट में तीन तरह के लोग है पहला वो जो कि क्राइम करके भागा हो जिसको पुलिस खोज रही हो ऐसा लोग साधु बन के घूमते रहते हैं दूसरा वो जिसको हराम की शराब चाहिए ठीक है तीसरा वो जो कि अपनी बीवी से उत्पीड़ित हो परिवार से उत्पीड़ित हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हो और अंतिम और बहुत ही छोटा नंबर उनका होता है जो सच में साधक होते हैं तो इन साधकों को पकड़ने का बड़ा बड़ा मुश्किल और बहुत टाइम टेकिंग तरीका है ठीक है देखिए कई साधक ऐसे होते हैं जेनविन भी जो शराब पीते हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन उनके पास ना जाओ आप उनके साथ ना रहो लेकिन ये बहुत कम होते हैं ये एक बार आपको इरीटेट करके इतना इरीटेट कर देंगे क्या भाग जाओगे लेकिन दूसरे प्रकार के वो हैं जो कि आपको इरीटेट करेंगे और फिर अपनी नीड्स के लिए आप तक आएंगे देखो जो भी पंचमकार है हाँ तो जो मध्य होता है उसको अमृत के तौर पे लिया जाता है ना कि जहर के तौर पे जैसे कि लोग लेते हैं जब आप मांस खाते हो तो आपको समझ में आनी चाहिए आपकी ये औकात है और जब आप औकात को समझ लेते हो तो फिर आपका काम है कि आप दूसरों को सोच समझ करके कुछ बोलो कुछ मतलब आपका ईगो उसका के जबान पर नहीं आना चाहिए इसलिए आपको मांस खिलाया जाता है तीसरा कौन होता है तीसरा होता है मत्स्य मत्स्य जो हो वो आपको इंगला और पिंगला नाड़ी जो होता है अपने प्राण को कंट्रोल करना सिखाता है कि आप एग्रेसिव ना हो आप एंग एंग्री ना हो मुद्रा मुद्रा मतलब वो जो चावल होता है अनचुना चावल होता है वो आपको एक सीख देता है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो ठीक है और मैथुन देखो मैथुन जो होता है ना वो सिंबल होता है आपकी कुंडलिनी के को जगाने का जो उस तर पे पहुंच गया ना साधक जो इस पांचवे मकार को कर सकता है वो अलग ही दिव्य रूप में रहता है वो आपसे या मुझसे बात नहीं करेगा वो भैरवी की बात ही नहीं करेगा उसका तो कुंडली मैथुन मतलब क्या होता है मैथुन मतलब मेल फीमेल का संगम नहीं होता मैथुन का मतलब होता है दोनों तरफ से दोनों नाड़ियाँ चढ़ ली और जाके त्रिनेत्र पे वो मिल गई तब होता है संगम उसको कहते हैं पंचमकार में मैथुन दक्षिण मार्ग में भी बहुत सारा मतलब पंचमकार होता है उसमें मध्य होता है तो उसमें शराब नहीं होता है उसमें खेचरी मुद, मुद्रा से अमृत जो सर से टपकता है उसको पकड़ते हैं उसमें मांस का मतलब होता है खेचरी मुद्रा जो टंग है उसको आप अंदर खींच लेते हो मत्स्य का मतलब होता है आपका इंगला और पिंगला नाड़ी मुद्रा का मतलब उसमें होता है कि वो अलग अलग मुद्राएं जो हाथ से मुद्रा बना के पूजा करते हैं और वो और मैथुन का मतलब उसमें भी होता है कि आपका जो कुंडलिनी है वो जागृत हो गया बात समझ में आई ये हुआ पंचमकार तो अगर कोई तांत्रिक शराब पिए मीट खाए देखो मैंने मतलब बहुत ही विध्वंसक मतलब एकदम मतलब घिनौना वीडियो सब देखा है टीवी पे कि लाश को खींच के लाश को खा रहे हैं वहीं रह रहे हैं वहीं लौट रहे हैं एक अंग्रेज़ गया एक अघोरी बाबा के पास बनारस में अघोरी बाबा दारू पी करके के टाइट हो गए और उसके बाद जो है उस अंग्रेज़ के ऊपर मुँहने लगे देखो ये जो लोग हैं ना ये फ्रॉड होते हैं एक आध इन्होंने कहीं किताब से किसी गुरु को को हाथ पैर जोड़ करके एक आध इन्होंने कुछ शक्तियाँ जो है चोर चौहाड़ वाली शक्तियाँ जो होती हैं मसानी उसको इन लोगों ने पकड़ लिया जिससे ये लोग लो, लोगों को तंग करते हैं ठीक है बाकी अगर इनको साधना के बारे में इनको कुछ नहीं पता है। देखो जो आदमी साध देखो साधक क्या होता है अघ्री क्या होता है जिसने कुंडलिनी को जगाया मीन तो यही है जो कुंडलिनी को जगाएगा वो शराब पी के तमाशा करेगा वो लाश खींच करके कैमरे के सामने खाएगा देखो ये ये कौन करता है इतना घिनौना काम वो कर सकते हैं जो साला कभी क्रिमिनल रहा होगा जो कहीं से भाग के घूम रहा है और वो वहाँ पे उसने समाधि ली है तो उसने दस लोगों को मार रखा उसको क्या लगता है एक लाश कीजिए खाने में आप समझ रहे हो मेरी बात तो अघोर तंत्र घिनौना नहीं है है ठीक बड़ा और सात्विक पूरा कार्यक्रम है अघोर और तंत्र मार्का का ठीक है पंचमकार जो होता है वो बहुत ही पवित्र चीज है और उसको बहुत अच्छे से करते हैं तो जैसे हमारे यहाँ जब आप मदिरा भगवती को चढ़ाते हैं तो उसका तरीका है कि आप उसको कपाल में लो थोड़ा सा और एक उंगली से उसको लो अपने सर के चारों तरफ मुंह में छीटा मरो ऐसे तीन बार करो आपका कारण लेना हो गया या वो अगर बहुत कारण लेना है तो आप उसका पैग नहीं बना सकते थोड़ा सा कारण डालो कपाल में उसको बिना पानी दिए पी लो ठीक है तो ऐसे में जब आप कारण लोगे तो आप वैसे तो लुंड हो गए नहीं जैसे लोग मतलब दारू पी के घूमते रहते दिन भर मीट मछली के बारे में मैंने बता दिया जो लाश खींच करके खाता है वो ज़रूर उसका कुछ हिस्ट्री रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से अघोर में वो साधनाएँ होती हैं वो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे और जो अघोरी है वो आपको कभी नहीं दिखाएगा कि वो कैसे लाश के साथ या फिर चिताहवन करता है ठीक है मांस के बारे में बता दिया मैंने आपको बता दिया कि मैथुर में क्या होता है एक अंतिम बात आ, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि वो अघोरी मतलब मरे हुए लाश से बात करता है बस एक आदमी मुझे दिखा दो जो कि जो ये प्रत्यक्ष करा दे कि वो शक्तियों से प्रत्यक्ष बात करता है एक आभास होना एक कान में आवाज आना ठीक है और ये सब चीज़ें मैं मान सकता हूँ कि होता है तंत्र साधना में क्योंकि हमारी शक्ति इतनी जग जाती है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकते वो उसमें सुन सकते हैं लेकिन कोई बोले ये देखो आके बैठ गई ये ये मसानी है ये वो तो, वो स तो तो फ्रॉड है वैसे नहीं होता दूसरा जो कहते हैं कि लाश के साथ सेक्स करते हैं घोरी भैया लाश के साथ सेक्स नहीं करते जिस दिन देख लोगे उस दिन क्या क्या फटेगा उसका कोई गारंटी नहीं है लाश में प्राण डाला जाता है वो लाश जागृत होती है जब उसके साथ संभव होता है और तब जो है शव साधना होती है शव साधना ऐसे बैठ के छूतियापा नहीं होता कैमरे के सामने जैसे लोग दिखाते हैं तो ये मूलभूत बातें हैं अघोर के बारे में और अगर आप लोगों को जानना हो देखो अघोर में आप अघोरी नहीं नहाते एक अंतिम बात अघोरी नहीं नहाते मेरे भी गुरुवर हैं वो भी नहीं नहाते ठीक है मैंने एक बार उनसे पूछा कि गुरुवर आपको ला के रखा हमने होटल में आपके लिए हमने टूथ ब्रश रखा टूथपेस्ट रखा हमने आ, साबुन रखा शैम्पू रखा आज तीन दिन से आप नहाए नहीं हो तो उन्होंने हमें बोला कि देखो मैं सादा को तुम्हें मेरे शरीर से गंध आ रहा है क्या तो हमने बोला नहीं आ रहा हम उन्होंने बोला इतने सालों से आने तो कभी मेरे शरीर से दुर्गंध आई क्या तो हमने बोला बिल्कुल नहीं आई तो ऐसा क्या चमत्कार किया आपने तो उन्होंने बोला देखो हम इसलिए नहीं नहाते क्योंकि हमें नहाने की ज़रूरत नहीं है जिस दिन तुम्हारे गुरु के शरीर से गंध आने लगे किसी भी तरीके का पसीने का गंध या किसी भी तरीके का गंध उस दिन समझ लेना कि मेरा जीवन काल अब समाप्त हो रहा है ठीक है तो अघोरी इसलिए नहीं नहाते क्योंकि वो नहा के गंदे रहने चाहते हैं अघोरी इसलिए नहीं नहाते क्योंकि उनको नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो कभी गंध नहीं करते हमारे और आपकी तरह ठीक है तो पंचमकार क्लियर हो गया अघोरी स्मशान में खाते हैं कि नहीं लाश निकाल के वो क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया कि अघोरी गंदा बंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं ठीक है अब मैं अंत में दो बातें बताऊंगा एक तो अघोरी और नरमुंड का क्या खेल है भाई देखो नरमुंड कुछ साधनाओं में चलता है मानता हूँ मैं और हर अघोरी के पास एक नरमुंड होता है जो कि किसी साधक का नरमुंड होता है लेकिन उसको गला में टांग के हाथ में लेकर नहीं घूमते हैं उस नरमुंड को हमेशा एक स्थान दिया जाता है और उसको पूजा किया जाता है जैसे आप देवताओं का पूजा करते हो तो अगर कोई नर्मुंड लेकर के नाच रहा हो तो उसको भी आप अच्छे से नचाना समझ लेना कि वो फ्रॉड है नर्मुंड में अगर शक्ति होगी तो किसी का अवका नहीं उसको लेकर के नाचे ठीक है और अघोरियों का कोई पंथ अखाड़ा ये सब नहीं होता अघोरी क्रिया आप कर रहे हैं तो आप अघोरी हैं ठीक है हम लोग जैसे कानिफनाक थी अघोरी तो आप हमसे पूछिए कि हमारा क्या पंथ है क्या है अरे ठीक है ये लोग मतलब साधु के रूप में गुंडे होते हैं पूरे यूनियन बना के चलते हैं आपसे पूछेंगे क्या करते हो नहीं करते हो गुरु कौन नहीं है वो आप सांसारिक है अघोर साधना करते हैं डरने की बात नहीं है किसी के बाप का स्मशान नहीं होता जो आपको वहां से भगा दे ठीक है बस ठगो मत दूसरों को तो आज के लिए इतना ही काफनाथ महाकाल भैरव और अपने अपने गुरु हम लोग सबका भला करें आज के लिए आप सभी को अलग आदेश मुझे याद है कि मुझे यक्षनी साधना और सांसारिक लोगों के लिए एक सुरक्षा मंत्र देना है वो मैं आने वाले वीडियो में दूंगा आप लोगों से बहुत ही सब प्रेम स्विनय निवेदन है कि आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैलाएं ताकि मुझे भी हिम्मत बने कि मैं आगे आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोज़ और कुछ ज्ञान की बातें अगर आपको लगती है, मैं कर, लगता है कि मैं करता हूँ तो कुछ ज्ञान की बातें मैं आप लोगों तक लेके तकली अगर आप लोगों को मुझसे बात करना है तो गूगल में ऐप है कॉलमी फॉर ऐप उसमें आप जाइए उसको इंस्टॉल कर लीजिए उसको इंस्टॉल कीजिए उसमें रूद्रनाथ आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप मुझे फोन से डायरेक्ट मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं अगर कुछ भी विषय होगा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वो मैं आपको जरूर वहाँ पर बताऊँगा आप सीखों को अलग आदेश